हाय गाइज, देखो आज हम लोग मैट्रिक्स का डिस्कस लास्ट हम लोग मैट्रिक्स का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग मैट्रिक्स के कुछ अदर्स टाइप्स के हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, उसकी नोटेशन क्या थी, उसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, उसमें रो और कॉलम क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। उसके बाद फिर हमने उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अनदर एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस किया, रो मैट्रिस, हॉरिजॉन्टल सॉरी कॉलम मैट्रिस, नल मैट्रिस, स्क्वायर मैट्रिस, डायगोनल मैट्रिस, प्रिंसिपल डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिस, आइडेंटिटी मैट्रिस। अब हम लोग देखो स्टार्ट करें ट्राइंगुलर मैट्रिस, स्टार्ट करें ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें से फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट में है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ अगर हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, जैसे ये हमारा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर है, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर है, ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर है, और ए फोर वन ए फोर टू ए फोर थ्री ए फोर फोर है। ये देखो एक प्रिंसिपल डायगोनल है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी जीरो हो जाए, सभी के सभी जीरो हो जाए, ये सब सब जब है, जब हमारा जे की पोजीशन आई से ज्यादा है। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स एलिमेंट्स लाइंग अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो, दैट इज ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज लेस देन, फॉर ऑल आई इज लेस देन देन सच ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन सच ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है हमारा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगी, तो लेट ए इक्वल टू, देखो ए हो जाएगी जीरो जीरो, बी सी जीरो, डी ई एफ हो जाएगा। तो ये इसकी शेप देखो तो लोअर ट्राइंगल की ओर बनती है, नीचे की ओर ट्राइंगल बनती है हमारा। अब इसी के तरह हमारा क्या होगा, नंबर बी में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर बी में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, एन बाई एन इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सेट टू दी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स लाइंग बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, आर इक्वल टू जीरो।
दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, इस केस में आई इज ग्रेटर देन। जैसे एग्जांपल भी लोगे थे हमारा, नेक्स्ट में क्या है हमारा आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसके हम लोग इसके मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ से तो मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाता है। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी एन आइडमपोटेंट and atom potent if a square equal to a, if a square equal to a। अब देखो क्या है nilpotent matrix, nilpotent nil n i n तो देखो nilpotent क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग nilpotent बोलेंगे अगर एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर हमारा m एग्जिस्ट करती है जहां पर a टू द पावर m एक नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल a इज सेट टू बी nilpotent nilpotent adimpotent and nilpotent if there exist a positive integer m such that a to the power m equal to 0 null matrix हो जाती है। ये क्या हो जाती है हमारा null matrix, ठीक है। if अगर ये हमारा small m हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इफ स्मॉल m इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a m इक्वल टू जीरो देन m इज कॉल्ड इंडेक्स। ये क्या कहलाते हैं इसका इंडेक्स ऑफ द nilpotent potent of matrix A, ठीक है, matrix nilpotent matrix A। अब हमारा क्या है देखो involutric क्या होती है, देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग इनवॉल्यूटरी बोलते हैं अगर हमारा ये इक्वल हो जाती है उसके स्क्वायर जो होती है इक्वल हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी इनवॉल्यूटरी इफ ए अगर उसका मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। ओके, तो ये होती है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये तो सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जिसमें से हम लोग एडिशन सीखेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स लेंगे और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इसी तरह से। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या है एडिशन और सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारा सम के लिए क्या होती है, एग्जांपल से भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर के नहीं चाहिए, तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन
and b equal to bij m by n be any two matrices, be any two matrices of same order m by n. ये मस्ट होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. देन द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी एंड इज ऑप्टेंड ऑन एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी. और ये क्या होती है हमारा ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से हमको मिलती है. ठीक है, एग्जांपल हम लोग 12th क्लास में तो पढ़े ही हैं. तो ये हमारा क्या होती है, ये ऑन एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड That is a plus b equal to ये क्या होती है a ij m by n plus b ij m by n. तो ये add हो जाती है हमारा, ये add हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारा a ij plus b ij m by n. जैसे example में ले लो, order same रखना होता है, order हमारा same रखना होता है. तो let a equal to एट ए इक्वल टू क्या है ए बी सी डी ई एफ, ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2/3. और बी इक्वल टू क्या है हमारा अल्फा बीटा गामा डेल्टा बीटा 2/3. तब इसका ऐड करो तो देन ए प्लस बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड, फर्स्ट का फर्स्ट से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस अल्फा b plus beta, c plus gamma, d plus delta, e plus eta और f plus और उसी order की matrix है. ठीक है, देखो next क्या है हमारा properties of matrix addition. तो इसमें क्या कहता है कि matrix addition first में क्या है, matrix addition is commutative. हम लोग ग्रुप में भी पढ़े हैं. तो क्या होता है इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन बी एनी टू मैट्रिसेस, वी नीड टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m by n, then क्या हो जाती है a plus b equal हो जाती है किसके b plus a के, a plus b equal होती है हमारा b plus a के. next क्या है हमारा number b में देखो कि matrix addition is associative. ये हमारा क्या होती है associative. तो अगर कोई तीन मैट्रिक्स लो सेम ऑर्डर, तो इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन एंड सी इक्वल टू सी आई जे एम बाई एन बी एनी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर तब ये क्या हो जाती है हमारे, देख क्या होगी इसका जो सम होगा हमारा, देखो सबसे फर्स्ट में बी प्लस सी का सम की उसका रिजल्ट को ए से किया तो ये इक्वल हो जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी. तो ये मैट्रिक्स एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव. नंबर सी में क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी. तो क्या होती है हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है, एक हमारे पास क्या है हमारा लेट वी हैव नल मैट्रिक्स वी हैव
नल मैट्रिक्स जिसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स जीरो ऑफ टाइप m by n such that if AB, if capital AB any matrix of order m by n, then क्या हो जाता है, मैट्रिक्स ए को अगर हम लोग मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं नल मैट्रिक्स से तो हमारा रिजल्ट वही रह जाता है। ए को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं तो ए ही रह जाती है जीरो प्लस ए। तो हियर द नल मैट्रिक्स, ये जो नल मैट्रिक्स है इज कॉल्ड या इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये एक्चुअल में ग्रुप बनाती है ना, तो इसलिए हमारा इनवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होती है, इसके लिए सबसे फर्स्ट में क्या होती है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए अगर ए आई जे कोई हमारा मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, लेट इफ या लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग क्या करते हैं डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय माइनस ए एंड इज गिवन बाय ए माइनस ए, एक्चुअली में क्या हो जाती है माइनस ए आई जे हो जाती है। यहां पर होता क्या है माइनस ए हो जाती है, तो यहां पे होता है कि वी हैव ए प्लस माइनस या माइनस ए प्लस, तो ये हो जाती है माइनस ए आई जे एम बाई एन प्लस ए आई जे एम बाई एन, तो ये हमारा माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे हो जाती है और ये हमारा जीरो हो जाती है। ये जो माइनस ए आया यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स ए प्लस, तो हियर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ये हमारा एडिटिव इनवर्स है ए। यहां पर क्या है हमारा नंबर इन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इट कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड in the case of addition of matrices. That is, if A, B, C be any three matrices of order m by n and A plus B equal to A plus C, this is left cancellation, B equal to C and B plus A equal to C plus A, this is B equal to C. ये होती है लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ, और ये राइट कैंसिलेशन, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स,
तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड के नॉट इक्वल टू जीरो बी ए स्केलर, ये हमारा क्या है स्केलर। देन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विथ स्केलर के, स्केलर के इज डिनोटेड बाय के ए और ए के एंड इज ऑप्टेंड एंड इज ऑप्टेंड ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विथ स्केलर के विथ स्केलर दैट इज के ए इक्वल टू के इंटू ए आई जी एम बाई एन इक्वल टू के इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है के ए आई जी एम बाई। जैसे एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। तो लेट ए इक्वल टू क्या है ए बी सी डी ई एफ टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो देन थ्री ए लोगे तो क्या हो जाता है इसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साथ थ्री को मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा थ्री ए थ्री डी थ्री बी थ्री ई थ्री सी थ्री एफ। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी नंबर वन में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी एनी टू मैट्रिस यानी टू मैट्रिस ऑफ सेम ऑर्डर m by n and k, और k क्या है हमारा कोई नॉन जीरो नंबर है and k not equal to zero be any scalar, then अगर हम लोग a और b को सम करते हैं उसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है k a plus k b। प्रॉपर्टी नंबर टू में क्या है हमारा if P and Q be any two scalars and A to AIJ